कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। हम लोग नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि बेसिकली इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफरेंट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रोजन गेन और लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑक्सीजन लॉस और गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं आपके पास। देन हमने बेटा उसके बाद वाले लेक्चर में हमने देखा कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और हम डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट आयंस को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन करते हैं, क्या रूल होते हैं। और अगर हमें किसी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होती है तो वो हम किस तरह से करते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो देख लिया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है उसकी क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे बेटा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को करने जा रहे हैं डिफाइन। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी भी स्पीशी को, जैसे कि उनके नाम से पता चल रहा है, ऐसे एजेंट है जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा दिस आर द स्पीशीज व्हिच ऑक्सीडाइज अदर बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरों को क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन वो दूसरों से ले रहे होते हैं वो खुद क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, खुद उनकी क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है, खुद वो रिड्यूस हो रहे होते हैं। ऐसे एजेंट को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या करते हैं, दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपके पास जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कैसे काम करते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकती हैं। उसके बाद बेटा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देते हैं, खुद उनकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं। बात माइंड में बिठा के रखनी है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद वो रिड्यूस होंगे, जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे खुद वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, मीन्स टू से वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होते हैं, जब वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके आ रहे होते हैं देन वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को खुद गेन कर रहे होते हैं, खुद वो रिडक्शन हो रही होती है। तो नॉन मेटल्स से हम उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। और बेटा आपके पास नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की है, जब हमने बात की रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो आपके पास जितनी भी मेटल्स होती है बेटा, तो मेटल्स क्या करती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकती है। दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि मेटल्स आपके पास क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है। एक एग्जांपल मैंने बेटा आपके सामने इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है। देखिए जिंक है और HCl है, इनका रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद आपके पास जिंक क्लोराइड बन गया और उसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस बन गई। अब मुझे कैसे पता चला कहां पे ऑक्सीडेशन हुई, कहां पे रिडक्शन हुई? देखिए मैंने कल शायद आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी चीज जब अपनी फ्री स्टेट में होता है, यानी वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, वो अकेला है, जब वो अकेला होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, प्लस वन होती है। क्लोराइड है, क्लोराइड की क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, माइनस वन होती है। अब देखिए आपकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की जीरो नजर आ रही है, हाइड्रोजन की वन आ रही है, और क्लोराइड की आ रही है माइनस वन आ रही है। अब इसी तरह से जिंक क्लोराइड जब बनता है तो जो आपके पास जिंक जीरो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, प्लस टू। अब प्लस टू क्यों आया, जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, हमने कहा जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जिन चीजों की ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है जिंक जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देखें दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, विच ऑक्सीडाइज अदर, ये दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है। और दूसरे नंबर पे आपके पास HCl है, HCl की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपके पास प्लस वन थी। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, आपके पास रिडक्शन, और जिनकी रिडक्शन हो रही होती है वो आपके पास क्या हो रहे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा।
यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो ऑक्सीडेशन होगी तो इसके ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, इसके ऑक्सीडेशन कर रहा है जिंक, तो सिर्फ जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जो आपके पास देखे जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक जो है इसकी क्या हो रही है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरे नंबर पे आप देखें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने वही इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या किए, गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है वो क्या हो गया, उसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, रिडक्शन है। अब आपके पास दीज आर स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं, यानी दूसरों के इलेक्ट्रॉन को निकाल रही होती हैं बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इटसेल्फ। जो रिड्यूस होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से आपके पास बेटा नेक्स्ट हमने वाटर की एग्जांपल लेके हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद आपके पास H2O बना। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी है, जीरो है, प्रोडक्ट में देखें आपके पास कितनी आ गई, वन आ गया। तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और दूसरों को वो क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से आप देखें ऑक्सीजन यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे माइनस टू है, मीन्स ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, दैट्स व्हाई उसके ऊपर क्या चार्ज आया, माइनस टू चार्ज आया। इसी वजह से हमने बोला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, रिडक्शन है, और जो चीज रिड्यूस हो रही होती है वो खुद क्या होती है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। आपको समझ आई बेटा, देखें हाइड्रोजन है ना आपके पास, हाइड्रोजन है, हमने कहा हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये हाइड्रोजन ऐसे था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने उन्हीं देखे दो हाइड्रोजन थे तो दोनों हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, अब ये दो इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए, ऑक्सीजन ने गेन कर लिए। तो जब ऑक्सीजन गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस टू। जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रिडक्शन बोल रहे होते हैं। तो जो जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो खुद क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, क्या फर्क होता है इन दोनों में। ठीक है, जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो खुद रिड्यूस हो रही होती है वो क्या होती है, वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी, यानी उलट जो है वो हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के साथ खुद ऑक्सीडाइज, खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरों को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो इसलिए हम जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन हो रही होगी वो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। होप सो आप लोगों को ये रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया। इसके अलावा बेटा ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखे गए हैं इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि हम क्यों इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रही है। हमने कहा था दी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होते हैं। क्या होते हैं, हमने कहा इट इज द सिस्टम इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज, इलेक्ट्रोलाइट को हम इस्तेमाल करते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपके पास करंट किसी भी सेल में से गुजर सकेगा, अदरवाइज उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट भी बताती हूँ इसके लिए क्या चीज होती है। अब हम कहते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट, सपोज इस तरह से जो लिक्विड की तरह जो भी मटेरियल होगा या मेल्ट फॉर्म में जो भी मटेरियल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। उसके साथ साथ बेटा हमारे पास दो मेटल की स्ट्रिप यहाँ पे अटैच होती है, जो दो मेटल की स्ट्रिप होती है उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और इलेक्ट्रोड के अलावा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बैटरी के साथ इस पूरे सिस्टम को जो है वो जोड़ा जाता है। इस तरह का जो आपके पास सिस्टम आता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इसके अलावा बेटा इसको एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर आपको एक और डेफिनेशन बताई जाए तो वो क्या होगी, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं इसको। क्या बोला जाता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, इट इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अब ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस क्या काम करती है, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देती है केमिकल रिएक्शन में, या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोल दें,
केमिकल एनर्जी में, और बेटा ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो और क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो आपके पास रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। जब आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं वो आपके पास रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो क्या है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, केमिकल एनर्जी में। इट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और दूसरे नंबर पे आप जो केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वहां पे आपको किसी ना किसी तरह की जो है एनर्जी की जरूरत होती है। तो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप इलेक्ट्रिसिटी की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप दूसरी डेफिनेशन बेटा यहाँ पे जो करेंगे वो आप डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन आपके पास होगा जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। अब बेटा अगर आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है, मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हमारे पास हमने ये चीज देखी है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जो आपके पास एक्वस सिचुएशन में होता है, यानी वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर मोल्टन फॉर्म में होता है, जो करंट को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देता है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच इज इन लिक्विड फॉर्म और इन मोल्टन फॉर्म विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इटसेल्फ। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जो क्या होता है, या तो वो आपके पास एक्वस फॉर्म में होता है या फिर वो आपके पास मोल्टन स्टेट में होता है, और क्या करता है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। इस तरह का जो भी सब्सटेंस आपके पास होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्लियर हुआ बेटा आपको कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म। क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस होती है सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है दोनों सिचुएशन में, मोल्टन फॉर्म में भी यानी जब वो पिघली हुई हालत में हो, और या फिर वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो। इन दोनों जो है सिचुएशन में जो सब्सटेंसेस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देंगे वो आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए आपके पास किसी भी चीज का मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होना कंपलसरी है। अगर कोई चीज आपके पास सॉलिड फॉर्म में है वो कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देगी। रीजन क्या है, सॉलिड स्टेट में आपके पास जितनी भी सब्सटेंसेस होती है उनकी पैकिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उनमें से चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। बेसिकली हम करंट किस चीज को बोलते हैं, करंट हम बोलते हैं चार्जेस को, फ्लो को। जब चार्जेस ही फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पास आउट वहां से हो सकती है। सो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो करंट को अपने अंदर से गुजरने का अलाउ करे। तो यहाँ पे हमारे पास मोल्टन स्टेट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी चीज सब्सटेंस हम यूज करेंगे जो अपने अंदर से करंट को गुजरने देगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। अब इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, यहाँ पे जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की टाइप की, वो दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट है, एक आपके पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी टाइप इसकी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो चीज जो अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाती है या वो चीज जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अपने चार्जेस को सेपरेट आउट कर देती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो चीज हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। अब जो चीज अपने आइंस इजीली डोनेट नहीं करेगी डेफिनेटली उसमें से करंट इजीली पास आउट नहीं होगा, तो वो किसकी तरह काम करेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करेगी। और जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी, सब्सटेंसेस कंप्लीटली आयोनाइज जो पूरी की पूरी आयोनाइज हो जाती है वो क्या कहलाती है, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे बेटा आपके पास HCl है, HCl में हाइड्रोजन पूरे का पूरा आयोनाइज हो गया,
साथ में आ गया, ये हाइड्रोजन पूरे का पूरा अलग हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना आधा हाइड्रोजन यहाँ पर पड़ा हुआ। इसी तरह से अगर आप लोग H2SO4 लेते हो, दोनों हाइड्रोजन पूरे का पूरे आयनाइज होके अलग हो जाते हैं, ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह से बेटा आपके पास NaOH आता है, अगर आप इसको वाटर में डाल के सोल्यूशन बनाते हो तो आपके पास क्या होता है, वाटर में आप इसका सोल्यूशन बनाते हो, Na अलग हो जाता है और OH आपके पास अलग हो जाते हैं। ऐसे आपके पास सब्सटेंसेस जो पूरे के पूरे आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और जो पार्शली आयनाइज होती है सब्सटेंसेस पार्शली आयोनाइज, जो पार्शली आयनाइज होंगी बेटा वो आपके पास क्या कहलाएंगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी वो पूरी के पूरी आयनाइज नहीं होंगी। जब वो पूरी आयनाइज नहीं होंगी उनमें से ज्यादा करंट नहीं गुजरेगा, इसी वजह से हम उस चीज को नाम क्या देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। बेटा आपके पास एक में एसिड लिखी हुई, इसके एसिड आपने नाम नहीं सुना होगा, C2H2 है, एसिडिक एसिड जो है। अब देखिए इसमें ये हाइड्रोजन भी है और तीन हाइड्रोजन ये वाले भी, लेकिन इनमें से सिर्फ आयोनाइज कौन सा हाइड्रोजन होता है, सिर्फ ये वाला होता है, और आपके पास क्या बनता है, CH3 COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन तो ये वाले भी थे लेकिन ये आयोनाइज नहीं हुए, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन आयोनाइज हुआ, दैट्स व्हाई, क्योंकि पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं हो रहे होते, हम इसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसी तरह से बेटा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसमें आपके पास देखें आपको नजर आ रहा होगा हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन, आपके पास कितने, दो हाइड्रोक्सिल आयन आ रहे हैं, लेकिन आयोनाइज क्या होता है, सिर्फ एक होता है। आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, CaOH नेगेटिव और साथ में आपके पास क्या होता है, OH जो है यहाँ पे सेपरेट आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन अब थे तो दो, लेकिन आयोनाइज क्या हुआ, सिर्फ एक हुआ। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते आपके पास, वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और जो पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल करनी है तो आप उसमें ये एग्जाम्पल कर सकते हो, NaCl आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अलावा आपके पास HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसी तरह से आपके पास CaOH2 जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बाद बेटा आ जाती है आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होते हैं, जाहिर से बात है नाम से पता चल रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देंगी या जिनके आयंस नहीं बनेंगे वो क्या होंगे, या जिनमें चार्जेस नहीं होंगे वो क्या करेंगे, अब जब चार्जेस भी नहीं है उनमें आयंस भी नहीं है तो क्या उनमें से करंट गुजर सकेगा, डेफिनेटली नहीं गुजर सकेगा। इस वजह से हम उन सब्सटेंसेस को क्या नाम देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या होते हैं आपके पास, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आयंस नहीं बनते, जो आयोनाइज नहीं होती, विच डू नॉट आयोनाइज, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके पास आयोनाइज नहीं होती, डू नॉट आयोनाइज। अब आयोनाइज नहीं होंगी तो क्या उनके चार्जेस बनेंगे, क्या उनके आयंस बनेंगे, डेफिनेटली नहीं बनेंगे। जब उनके ऊपर चार्ज ही नहीं आ रहा, उनके आयंस नहीं बन रहे, तो करंट कहां से पास आउट हो जाएगा, यही रीजन है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से करंट जो है वो नहीं गुजर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे आपके पास C6H6 है, बेंजीन है, इसमें से करंट जो है वो पास आउट नहीं हो सकता। इसी तरह से आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ये इसमें से भी आपके पास क्योंकि आयंस नहीं बनते तो इसमें से भी करंट जो है पास आउट नहीं होता, तो ऐसा सब्सटेंस से करंट पास आउट नहीं हो सकता वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। बेटा इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखी हुई एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इन प्रोसेसेस को एक जो है स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जब आपके पास है जब इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए हमें केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं, ये आपके पास कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए हम केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसी तरह से आप जब जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हो, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोला जाता है, यानी करंट जो है यहाँ से गुजरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो बेसिकली बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना, ये दो वर्ड आपस में मिलने से बनता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, चार्जेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, और लाइसिस में क्या होता है,
लेसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होना या टूट जाना। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करोगे, इलेक्ट्रो आपको वर्ड नजर भी आ रहा है, चार्जेस आपको नजर भी आ रहा है, या आप चार्जेस की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किसी भी कंपाउंड को क्या किया जाता है, कंपाउंड को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद हम उसको उसके एलिमेंट में या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, यानी जिन चीजों से वो मिलकर बना है हम उसी में दोबारा से उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाते हैं, या इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये आपके पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ताकि कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके उसके एलिमेंट्स में या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो है वो दोबारा से चेंज किया जाए। इस तरह के रिएक्शन आपके पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने देखा और इसके साथ साथ हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या रिलेशन है। जिस चीजकी ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग होता है और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमने दो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने कहा कि इन रिएक्शंस को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम टाइम पे हो रही होती है क्या नाम देते हैं बेटा उसको, डेफिनेटली उसको रेडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने कहा कि इसमें आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस तरह के सेल को, इस तरह के सिस्टम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने की कि इसको हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने कहा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है मोल्टन फॉर्म में और एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के थे, स्ट्रॉन्ग और वीक। जो स्ट्रॉन्ग है कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जो वीक है वो पूरे के पूरे आयोनाइज नहीं होते, आधे आयोनाइज होते हैं आधे नहीं होते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से बिल्कुल प्लांट कभी गुजर नहीं सकता क्योंकि उनके आयंस नहीं बनते, इसलिए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं बेटा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंपाउंड को जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में या उसके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे सपोज आपके पास वाटर है, वाटर है ना, वाटर की जब ब्रेक डाउन की जाए, मैं यहाँ पे करंट इस्तेमाल करूँ, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके, करंट इस्तेमाल करके मैं वाटर को तोड़ दूं हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। आपके पास ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इसका अपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाना। क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में उस कंपाउंड को तोड़ दिया। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कंफ्यूजन हुई आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे।